भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन हैं, आप क्या हैं? एक इंसान हूं और इंसान से प्रेम करने वाला हूं। एक बार गंगा में भी डूब के बचा था, जब भी मैंने ये कहा था भाई जो बाकी जीवन है जल। आपकी धार्मिक प्रैक्टिस क्या है, मतलब आप बहुत धार्मिक हैं या? मैं आर्य समाजी हूँ, मेरे को कोई गुरेज नहीं है। मैं मंदिर में भी जाऊँगा, मैं मस्जिद में भी जाऊँगा, मैं गिरजाघर में भी जाऊँगा, मैं गुरुद्वारे में भी जाऊँगा, मैं जैन मंदिर में भी जाऊँगा। कहते हैं जब पावर आती है, सत्ता आती है, तो बंदा दिमाग खराब हो जाता है किसी का भी। आपको कभी लगा कि यार मुझे सत्ता ने खराब कर दिया? हुड्डा साहब, आपके साथ कभी धोखा हुआ है कोई? आपको लगा हो यार इस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया, इसने धोखा कर दिया? जवानी का कोई किस्सा सुनाइए सबसे, जो भी याद आता है आपको कि यार ये लड़े झगड़े कभी? हाँ, टीचर थे केमिस्ट्री के, लिख रहे थे ब्लैक बोर्ड पे, मैंने मेरा निशाना बहुत अच्छा था, मैंने उठा के उनके चौक मारा में लगा। जवानी में इश्क हुआ आपको कोई? आपको क्या लगता है आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? कोई ख्वाहिश बची है आपके मन में कि ये मेरी ख्वाहिश है, ये पूरी नहीं हुई जिंदगी में? तो यही ख्वाहिश है। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में की आपने या स्टूडेंट ग्रुप बनाया हुआ था? स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहा। रोनाल्ड रीगन ने कहा था, पॉलिटिक्स इज जस्ट लाइक ए शो बिजनेस। पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियनों के बारे में बहुत सारी धारणाएं होती हैं, पर पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स के बिना भी बहुत कुछ करते हैं, उनका जीवन होता है, उसके बारे में अक्सर बात नहीं होती। आज हमारे साथ हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनसे बात करेंगे। स्वागत है सर, बहुत बहुत नमस्कार जी, धन्यवाद सर। सबसे पहले अगर मैं ये पूछूं कि बहुत सारी धारणाएं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो हैं, अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन हैं, आप क्या हैं? देखिए, मैं तो एक इंसान हूं और इंसान से प्रेम करने वाला हूं हर व्यक्ति से। और जन्म जिस परिवार में हुआ है वो आज़ादी की लड़ाई में हुआ है, मेरे फादर ग्रैंड फादर, तो उनसे हमने सीख ली है कि देश और इंसान सबसे बड़ी चीज़ है। और शुरुआत अगर करें आपके बचपन से, बचपन कैसा था आपका? बचपन ठीक था, पढ़ा मैं कई जगह, पढ़ा सैनिक स्कूल में, पढ़ा चंडीगढ़ से 10वीं की, यहाँ से ग्रेजुएशन की, लॉ दिल्ली से की, तो काफ़ी सैनिक स्कूल जामनगर में रहा, सैनिक स्कूल का नाल रहा, इस प्रकार अलग अलग स्कूल में पढ़ के शिक्षा प्राप्त की और फिर वकालत करी रोहतक में, वकालत अच्छी चली और फिर जो है राजनीति में आई। बचपन का कोई किस्सा, बचपन का कोई किस्सा याद है आपके माता पिता से जुड़ा हुआ? क्योंकि बचपन में तो बहुत सारा कुछ होता है। आप किसके करीब थे ज़्यादा, पिताजी के माताजी के? देखो, माँ बाप दोनों के होते हैं, आप डिस्क्रिमिनेशन या कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, वो फिर भी लगाव होता है ना, कई बार ज़्यादा लगाव होता मेरा है। अपनी माता जी से भी था, पिताजी से भी था, क्योंकि दोनों जो है उन्होंने पैदा किया तो पालन पोषण किया, जो भी मैंने कहा वो नहीं किया। और जैसे कोई मैं थोड़ा सा था, खर्चीला सा था बचपन में, बचपन में खर्चीला था जी, तो कोई मेरी माताजी कहती कि भाई ये खर्चीला है बहुत, मेरे पिताजी कोई बात कहने कोई बात नहीं। जब मैं पैदा हुआ मैं एक किसान का बेटा था, ये पैदा हुआ जब एमपी के घर पैदा हुआ है, इतना तो फर्क है ही, चलो जो ये कहे करो। तो ऐसा ही था। कभी डांट पड़ती थी माता पिता से, कोई किस्सा याद है इस तरह का? नहीं, कोई डांट तो नहीं पड़ी, लेकिन किस्सा एक याद है कि मैं धूम्रपान बहुत करता था, दिन में कोई 30-35 सिगरेट पीता था, और मुख्यमंत्री बन गया जब भी करता रहा। तो एक दिन मैं वहाँ से दिल्ली से चंडीगढ़ आ रहा था, कार में मेरे पिताजी सैर करके आ रहे थे, गांधीवादी थे वो, उन्होंने मेरी गाड़ी रोकी, मैं हाँ पिताजी को चरण स्पर्श किए मैंने और मैं एक ही बात कही मेरे को, भूपेंद्र सिगरेट छोड़ दे नहीं तो मैं सत्याग्रह कर दूंगा। वो दिन आज दिन मैं सिगरेट छोड़ दी, उसी टाइम छोड़ दी सिगरेट। बाप ने इतना, उतना बड़ी बात उन्होंने कही
मेरा मैं उनके जीवन से था, वो सारा जीवन का मतलब जेलों में गया, फिर समाज सेवा में गया, और जो विभिन्न 7 सदनों में सदस्य रहे वो दुनिया में कोई नहीं रहा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा जिसको कहते हैं, बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव असेंबली जी, प्रोविजनल पार्लियामेंट जी, फिर लोकसभा, फिर पंजाब असेंबली, फिर हरियाणा असेंबली और राज्यसभा से रिटायर हुए। तो बड़े महान व्यक्ति थे, महान सेनानी थे। तो इसी वहीं से मेरे दिमाग में जो आया जो बचपन से कि वो गरीब आदमी से और उसके मतलब जन सेवा ही में गया उनका जीवन, तो वहीं से मेरा ये जब मौका मिला राजनीति में आया, एक ही लक्ष्य रहता है कि जो भी हो उसके, जिसका मैं किसी का बुरा नहीं कर सकता, भला जिसका हो उसके। बचपन के दोस्त याद हैं आपको? हाँ हैं। कौन कौन थे, मतलब अभी कभी उनसे मिलना होता है, कौन थे बचपन में, कहाँ कहाँ रहे वो दोस्त? लेकिन अलग अलग जगह रहे। कोई ऐसा दोस्त है जो अब तक दोस्त हो, बचपन का दोस्त हो और अब तक है? हाँ है, जैसे बताएंगे अगर कुछ बचपन की यादें बताएंगे जो बचपन में दोस्त थे आपके? दोस्त था कई, सत्यम स्कूल में मेरे दोस्त थे कई, मतलब वहाँ दिल्ली जो हार्डकोर बटलर स्कूल में था वो जो मेरा पास तो अब भी एक है उसमें, फिर सैन स्कूल में जो मेरा साथी था दोस्त था वो आर्मी चीफ रिटायर हुआ दीपक कपूर जी। अच्छा। और भी मेरे वहाँ से सैन स्कूल से कई दोस्त जो अब भी संपर्क में हैं मेरे। और इसी प्रकार से चंडीगढ़ में 10वीं करी, यहाँ के जो मेरे साथी थे, एक तो ब्रजमोहन जी थे, वो तो दुनिया से चले गए, कॉलेज में थे बहुत सारे साथी। इतने स्कूलों में कैसे मिला, अलग अलग स्कूल आप कह रहे हैं कि जामनगर में भी, यहाँ बहुत सारे जगह वहाँ सैनिक स्कूल था, जब सैनिक स्कूल खुला खुले तो उसका का एंट्रेंस एग्जाम होता था, वो कॉमन था, 5 ही स्कूल खुले थे हिंदुस्तान में। तो आप अलग अलग स्कूलों में? नहीं, 5 स्कूल खुले थे जी, एंट्रेंस टेस्ट कॉमन था जी। तो जैसे प्रायोरिटी मेरी करनाल की थी कि मैंने, वहाँ मेरा नंबर नहीं पड़ा मेरिट के हिसाब से, वहाँ मेरा जामनगर पड़ा, सेकंड प्रायोरिटी जो दी थी मैंने जामनगर की दी थी, वहाँ पड़ा, फिर बाद में माइग्रेट करा के करनाल आया। तो ये जो बचपन के दोस्त, कोई ऐसा दोस्त भी रहा आपका जब आप तो मुख्यमंत्री बन गए, आपके पास तो बहुत बड़े पद रहे और आप तो चेहरा रहे देश की पॉलिटिक्स का, कभी ये हो कि यार ये दोस्त की मदद करते हैं ना बचपन में, वैसे भी जब आप नॉन पॉलिटिकल होंगे पर जब पॉलिटिक्स में आ गए तो किसी दोस्त की मदद भी की कि कोई बहुत गरीब हो, कोई जिससे, कोई ऐसा किसी को, जो भी दोस्त हुआ किसी भी स्थिति में जो मेरे से हो उसका मैं मदद किया। तो कॉलेज कौन सा रहा आपका? कॉलेज 1 साल गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक से। ये एहसास कब हुआ आपको जब स्कूल से कॉलेज आए कि हाँ मैं जवान हो गया हूँ? ये तो ना बचपन वाला होता है कि हाँ, फिर एहसास होता है कि मैं रोहतक कॉलेज में हुआ दाखिल, उस समय थोड़ा ये हुआ, फिर शौक हुआ जाट कॉलेज रोहतक में, गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज, पंडित निकी राम शर्मा के नाम से यार गवर्नमेंट कॉलेज जी जी उसमें हुआ जी। और उसी टाइम जो है ये मेरे को महसूस हुआ, और जब ये फोटो रखी उसी टाइम तो ये जवानी की फोटो, कब की फोटो है? कॉलेज में था, जब कॉलेज में था। कितने साल के रहे होंगे रोहतक कॉलेज? 20-22 के। हाँ, इतना ही होगा। तो पहली बार आपको एहसास हुआ कि बचपन से निकले जिम्मेवारियां बढ़ गई, बीमारी सी हो गई भाई, अब आगे पढ़ना है, आगे कुछ करना है। अब तक तो माँ बाप जो मैं कहता था कर देते थे। तो चंडीगढ़ में कब, फर्स्ट टाइम चंडीगढ़ में कब आए? चंडीगढ़ में आया मैं 62-63 में। 62 या 63 यहाँ यूनिवर्सिटी या कॉलेज? यहाँ पर भी फिर आपने आके कॉलेज, कॉलेज की पढ़ाई की है यहाँ? स्कूलिंग की, मैंने स्कूलिंग की उसके बाद, नहीं जब यूनिवर्सिटी में आए यहाँ पर जब जवान हो चुके थे। सीनियर मॉडल स्कूल से 10वीं करी मैंने 16 सेक्टर में जी, और फिर यहाँ आया थोड़ी दिन यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में रहा, फिर मैं रोहतक गवर्नमेंट कॉलेज में चला गया, वहाँ से ग्रेजुएशन करी और फिर दिल्ली से लॉ करी। जवानी का कोई किस्सा सुनाइए सबसे, जो भी याद आता है आपको कि यार ये लड़े झगड़े कभी? हाँ, जवानी भी तो होती है ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, कुछ सुनाइए। होती ही है। तो क्या कॉलेज का? कॉलेज का बस हम शरारती थे थोड़े से। जब पहली दफा कॉलेज में गए तो हमारे टीचर थे केमिस्ट्री के, तो जब लिख रहे थे ब्लैक बोर्ड पे, मैंने, मेरा निशाना बहुत अच्छा था, मैंने उठा के उनके चौक मारा में लगा, तो बहुत नाराज हुए, किसने मारा किसने मारा,
एक दो साथी जो है फिर मेरे को कहने लगे कि मेरे शर्मा हमारे साथ थे, ये कह रहे तो मास्टर जी से ऐसे करता है। मास्टर भाई तो इस किस्म की बातें होती हैं, बचपन में हो जाती हैं। स्कूल में था, करनाल स्कूल में था, रात को जो है पिक्चर देखने चला जाना। तो कभी मम्मी डैडी ने पीटा जैसे होता है कि बचपन में या जो जवानी में उनको लगता है कि ये काम नहीं करना था, क्यों कर नहीं, दिया? मेरे को कोई याद ऐसा नहीं है, पिटाई का कोई काम याद नहीं। अच्छा, एक आध डांट डूट तो छोटी मोटी नहीं, बस इससे ज़्यादा। तो यहाँ पर जब कॉलेज में थे या वहाँ पर या यहाँ पर जो ग्रुपिज्म होता है लड़कों का या स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, तब इंटरेस्ट था आपका? आपका तब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था कि हाँ मैं हाँ, पॉलिटिकल परिवार में पैदा हुआ तो तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में की आपने या स्टूडेंट हाँ, ग्रुप स्टूडेंट बनाया हुआ में था? स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहा, खुद जैसे तो मैं नहीं लड़ा। लेकिन जी जैसे लड़ाते थे अपने साथियों को, चाहे यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा वहाँ के प्रेसिडेंट को, चाहे क्लास में होता है क्लास में उसके हमारे होते हैं लॉ फैकल्टी के प्रेसिडेंट को, ऐसे थे हमारे साथी जिसमें मैं चुनाव में हिस्सा लेता रहा, बहुत अच्छे साथी थे मेरे। पर आप सरगर्म राजनीति में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में नहीं आए, जैसे आप इधर आए वहां पर खुद कभी चुनाव खुद नहीं चुनाव लड़ा, नहीं लड़े? खुद चुनाव नहीं लड़ा, खुद चुनाव नहीं लड़ा, तो लेकिन क्योंकि तब तक क्या, एक्टिव रहा। अच्छा, तो आपको तब तक राजनीति ऐसे लगती थी कि शायद आपने नहीं आना, या तब भी था मतलब आपका बचपन जवानी में शौक था कि मैंने आना है राजनीति में? नहीं, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि क्या कब आएंगे कब नहीं आएंगे, लेकिन ये था कि पॉलिटिकल माइंड इन द ऐसा संस्था में लोगों की सेवा एक दिल में मैं मतलब अगर आप मैं कहूँ, मेरे फादर से प्रेरणा से मेरे को सदा रही। और दुनिया कहती है भाई सबको अपने माँ बाप अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं अपने पिताजी के बारे में कह सकता हूँ साक्षात रूप में देवता देखे, किसी का बुरा उन्होंने नहीं देखा और सदा ही समाज का भला किया और डेड ऑनेस्ट, मतलब उन पर कोई वो इतने और उच्च पद पर रहे वो, तो वो असर रहा। तो वही मतलब जैसे लोग उनके पुराने साथी पॉलिटिकल आदमी और ज़रूरतमंद आते रहते थे, तो उनसे संपर्क बना रहा। और शुरू में राजनीति में मेरे बड़े ब्रदर, सबसे बड़े ब्रदर थे वो आए, लेकिन वो फौजी आदमी थे, उन्होंने छोड़ दिया। तो फिर लोगों ने कहा भाई एक आदमी परिवार से होना चाहिए, तो मैं चुनाव लड़ना शुरू किया। जैसे राजनीतिक परिवारों में तो गुड़ती राजनीति की मिल जाती है ना, राजनीतिक परिवारों में आपको बचपन में ही राजनीति मिल जाती है क्या? जो बचपन होता है राजनीतिक परिवारों में, जैसे आप पूरे राजनीतिक परिवार में थे जहाँ पर राजनीति हो रही थी या राजनीति पर बात होती होगी, तो कहीं ना कहीं जो बचपन होता है वो छिन भी जाता है कि क्योंकि तभी आपको इतना कुछ देखने को मिल जाता है जैसे दूसरा किसी मुझे ना देखने को मिले, किसी और को ना मिले बचपन में? अरे मतलब हाँ, तो मतलब सामान्य ढंग से ही हम रहते थे, मतलब उस हिसाब में नहीं, जब भी अच्छे उसमें थे सामान्य उसमें रहे, बड़े लोगों से संपर्क रहा। और एक जैसे सामाजिक तौर पे स्टूडेंट रहते हैं ऐसे ही रहा मैं, लेकिन यह है कि घर पे एक राजनीतिक माहौल ज़रूर रहा। जवानी में इश्क हुआ आपको कोई? नहीं, क्या आपकी लव मैरिज थी या उनको अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? अरेंज अरेंज मैरिज। तो क्योंकि शायद आप यहाँ चंडीगढ़ के, वो भी चंडीगढ़ के थे या चंडीगढ़ में? नहीं, वो जो है पढ़ते मेरे बड़े थे भाई थे जी, वो जिनको मैरिड थे मेरी भाभी, उसकी छोटी बहन जी, तो वही रिश्ता होगा परिवार आशा जी से जो जी, आशा जी की बड़ी बहन प्रेम जी भी हैं जी जी मेरे सबसे बड़े भाई थे जो है नहीं कैप्टन प्रताप सिंह को बैठ जी जी क्योंकि वो भी जो हैं उनके पिताजी भी स्वतंत्रता सेनानी थे, खादी में खादी से संबंधित थे, तो वैसे संपर्क था हमारे परिवार पिताजी का। आपको क्या लगता है आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? मेरी ताकत है मेरे मन की, मैं किसी का बुरा नहीं करता, यही मेरी ताकत, किसी बुरा सोचता नहीं बुरा करता नहीं। सबसे बड़ी कमजोरी? कमजोरी तो फिर वही हो जाती है कमजोरी, भाई मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहता, ये भी कमजोरी है। मेरे को पता होते हुए भी कि ये मेरे को नुकसान करेगा, फिर भी मैं उसको नाराज करता। पर्सनल या पॉलिटिकल लाइफ ने में कभी ऐसा लगा कि ये जो लोग चले गए हैं ये नहीं जाने चाहिए थे, ये तो मेरे बहुत करीबी थे, मेरे से कोई गलती हो गई, ऐसा पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ मतलब कैसे जो दुनिया में ना जो कई बार छोड़ के चले जाते हैं?
पर्सनली छोड़ के जाते हैं या पॉलिटिकली छोड़ के चले जाते हैं, जैसे दोस्त, कोई दोस्त नाराज हो जाता है, जैसे एक आध जगह थोड़ा महसूस हुआ तो फिर मैं यही रिकंसिलिएशन होती मेरे को, भाई पिछले जन्म में कुछ इसकी गलती करी जो मैंने किया, बाकी मैं कभी नहीं, मेरी वजह से कोई नहीं छोड़ के गया, लेकिन कोई गए भी हैं तो यही सोचता हूँ भाई कि पिछले जन्म में कोई मेरे से वो हुआ अब ये छोड़ गए। आपकी धार्मिक प्रैक्टिस क्या है, मतलब आप बहुत धार्मिक हैं या ठीक है? मैं आर्य समाजी हूँ। तो क्या प्रैक्टिस रहती है रिलीजियस आपकी, रिलीजियस प्रैक्टिस क्या रहती है आपकी? आर्य समाजी हूँ, अपना कर्म कर फल की इच्छा ना कर, गीता में यकीन रखता हूँ। आर्य समाज तो शायद मूर्ति पूजा में विश्वास भी नहीं रखता, नहीं करता मूर्ति पूजा नहीं करता, लेकिन मेरे को कोई गुरेज नहीं है, मैं मंदिर में भी जाऊँगा, मैं मस्जिद में भी जाऊँगा, मैं गिरजाघर में भी जाऊँगा, मैं गुरुद्वारे में भी जाऊँगा, मैं जैन मंदिर में भी जाऊँगा, सबका आदर करता हूँ, आदर सबका करता हूँ, परहेज कोई नहीं है, कोई नहीं जाना, लेकिन बेसिकली मैं आर्य समाज में हूँ, आर्य समाज के मैं, मेरे पिताजी भी मेरे दादाजी भी। तो क्या जो आप क्या मानते हैं, जो आपकी कदरें कीमतें हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे आर्य समाज की मूवमेंट तो बहुत बड़ी रही है, सरस्वती जी और यहाँ पर पूरे ये पूरा जो एरिया था, अभी तो अलग अलग है पंजाब हरियाणा हिमाचल, यहाँ सब जगह वो घूम रहे थे, तो वहाँ से आपके जो मूल्य आते हैं वहाँ से आते हैं? हाँ, मेरे दादाजी ने सबसे पहले आर्य समाज अडॉप्ट किया था एरिया में, और बड़े टावरिंग वो थे, और मेरे बड़े दादा थे वो जो एजुकेशन जो आर्य समाज की डीएवी शुरू हुए वो लाहौर से हुए, तो वो संस्थापक थे उनमें से, और मेरे दादाजी रोहतक में जो इंस्टीट्यूशन है जाट इंग्लिश संस्था स्कूल, उसके संस्थापक प्रधान थे, तो एजुकेशन में हमारे परिवार का राज, मेरे पिताजी ने भी कई स्कूल खोले। हुड्डा साहब, आपके साथ कभी धोखा हुआ है कोई, आपको लगा हो यार इस पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया, इसने धोखा कर दिया? देखिए मैंने बताया ना, मैं इस बात में सोचता, मैं ही सोचता हूँ चलो पिछले जन्म में कोई लेना देना होगा। कोई ऐसा बहुत करीबी रहा हो? देखिए मैं, सभी मेरे करीबी रहे, मैं किसी से, मेरे किसी से कुछ वो नहीं है। किसी बात से डर लगा है आपको कभी? है? डर लगा है किसी बात से? ना, ऐसा कोई डर नहीं, बस डर एक बात लगता कोई गलत काम ना हो जाए बस, क्योंकि मैं तो एक बार गंगा में भी डूब के बचा था, जब भी मैंने ये कहा था भाई जो बाकी जीवन है। अच्छा, कैसे ये बताइए थोड़ा सा। फ्लैश फ्लड आ गया था। अच्छा, कहाँ पर? कार में, ये हरिद्वार से आगे मैं अपने फार्म पे जा रहा था जी, और फ्लैश फ्लड आ गया एकदम बहुत तेज़ी से, कार मेरी दूर बह गई, मेरे एक चाचा मतलब मेरे कज़न थे वो तो बह गए, वो तो मिले ही नहीं, मैं भी बहुत मुश्किल से बचा था। कब की बात है ये? आज से होंगी कोई 20 साल पहले। आपको कभी ये लगा कि जब आपके पास सत्ता आई या पावर रही हो, कहते हैं जब पावर आती है सत्ता आती है तो बंदा दिमाग खराब हो जाता है किसी का भी, आपको कभी लगा कि यार मुझे सत्ता ने खराब कर दिया, या आपको, आपने हमेशा सत्ता को जैसे रखा कि आई गई कोई मसला नहीं है? ये आनी जानी चीज है, बाकी सत्ता को मैंने कभी अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया, क्योंकि मैं समझता हूँ, मैंने देखा बचपन से देखा ये आनी जानी चीजें हैं, सत्ता से आए भी मैं, और बाहर भी हुई सत्ता, मेरा परिवार सत्ता में भी रहा, बाहर भी मेरा उस बात का मेरे कोई अंतर नहीं। कोई ख्वाहिश बची आपके मन में कि ये मेरी ख्वाहिश है ये पूरी नहीं हुई जिंदगी में? नहीं, ख्वाहिश तो क्या है, मतलब अपना कर्म पूरा करना है, कर्म पूरा करना है, तो यही ख्वाहिश है कि भगवान जो है ठीक ठाक सबको रखे, और मेरे सामने ऐसा कोई काम ना हो या मेरे से कोई गलत काम ना हो, बाकी जीवन का तो किसी को पता नहीं आज यहाँ है कल कहाँ। कभी कोई ऐसी ऐसी बात आपको लगी हो कि यार ये मैं करना चाहता था ये हुई नहीं है मेरे से? नहीं, वो तो बहुत सारी बातें हैं, जैसे मतलब प्रशासनिक तौर पे कोशिश की मैंने भाई अपने प्रदेश में जब मेरे को मौका मिला, स्वास्थ्य शिक्षा यही दो चीज़ हैं, उन्हें काफ़ी आगे किया, बिजली, लेकिन और भी बहुत कुछ है जो कर सक करना चाहिए था या कर सकते थे या करेंगे मौका मिला। कई बार ऐसा होता है कि राजनीति के, जो राजनीति में लोग होते हैं बहुत बिजी होते हैं, आपको लगा हो कि आप अपने बच्चों को या परिवार को उतना टाइम नहीं दे सके, सही बात,
कभी उन्होंने परिवार कभी के लिए, उन्होंने कभी बोला आपको ये आपके बेटे परिवार ने के लिए बेटे? समय नहीं, मतलब बहुत कम होता है। जैसे औरों को देखता हूँ ना, उसके हिसाब से जो पॉलिटिकल आदमी है उसको 24/7 ही होता है। धन्यवाद हुड्डा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।